तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने ऑडियो में से बैकग्राउंड नॉइस को या बैकग्राउंड साउंड को कैसे रिमूव करते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ काम करने पड़ेंगे, जैसे कि आप जब भी नेक्स्ट बार अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में साइलेंट रहना है ताकि आपकी जो भी बैकग्राउंड नॉइसेज हैं वो रिकॉर्ड हो जाए। देन उसके बाद आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर, जो कि आपको फ्री में मिल जाएगा, जिसको मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा MB का भी सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपको काफ़ी इजीली डाउनलोड भी हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर इंटरफेस दे सकते हैं ऑडेसिटी का, ऑडेसिटी में आपको कोई भी जो भी आपने अपनी वॉइस रिकॉर्ड की है, जो भी करी है, आप उसको ड्रैग कर दीजिए। अगर आपका MP3 फॉर्मेट है या WAV है तो ये आपको डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेगा, और नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट करके कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ सुन सकते हैं, मैं आपको अब जो भी ऑडियो सुनाने जा रहा हूँ वो सुनाने जा रहा हूँ मेरी बैकग्राउंड नॉइस। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी बैकग्राउंड की नॉइस थी। अब मैं इसको पूरा सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ उसी सेक्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पर वो बैकग्राउंड की नॉइस मैंने रिकॉर्ड करी है। इफेक्ट में जाते हैं, नॉइस रिडक्शन में जाते हैं, गेट नॉइस प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं। देन आपको सिंपली यहाँ पर पूरी ऑडियो को सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल ए को दबाइए, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। देन वापस आइए इफेक्ट में, नॉइस रिडक्शन, और सिंपली ओके कर दीजिए। थोड़ी सी लोडिंग लेगा एक और बार। अब आप चाहें तो एक और बार कर सकते हैं, मैं फिर से कर देता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़े नॉइस अभी भी दिख रही है। फिर से करता हूँ मैं, नॉइस रिडक्शन, गेट प्रोफाइल, यहाँ पर कंट्रोल ए, यहाँ पर फिर जाएंगे हम इफेक्ट में, यहाँ पर देन ओके, यहाँ पर फिर से कर दी उसने। अब हम प्ले करके देखते हैं, अब आपको जो भी वॉइस सुनाई देगी वो इस एडिटिंग से सुनाई देगी। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो में वॉइस कैसे, तो जैसा कि आपने सुन लिया है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है क्योंकि बैकग्राउंड में फ़ैन की आवाज़ आ रही थी वो हट गई है पूरी की पूरी। तो अगर आपको अब सिंपली इसको सेव करना है, आप सिंपली सेव कीजिए एक्सपोर्ट ऑडियो। यहाँ पर आपको जो भी है, यहाँ देख सकते हैं WAV फॉर्मेट में है, आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं और सिंपली सेव कर सकते हैं। सेव करेंगे, कुछ नहीं है, ओके कीजिए, सेव हो जाएगी आपकी प्रोफाइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने किस नाम से की थी, वो आ चुकी है। अब हम इसको प्ले करें या किसी और एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इसका यूज़ करें तो आप वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लग रही है या आपको कुछ समझ नहीं आया तो इस वीडियो के इस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम सौरभ फ्रॉम टेक में टेक्निकली।